आप मुझे बताएं दहशत गर्द किसको कहते हैं? वो जो हमारे लोगों को, जो बच्चों को गोलियां मारी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपके सारी दुनिया में प्रोटेस्ट होती है, आप पेरिस में जाके देखें, हर हफ्ते लाखों लाखों लोग निकलते हैं, टियर गैस भी चलती है, वाटर कैनन भी चलती है तेजाब के बगैर, कभी आपने सुना है कि किसी ने लाइव बुलेट चलाया हो? वो चीज़ें भी चला देते हैं, वो आप लाख भी इधर आपने कभी देखी है फुटेज जलती है, वो जलाते हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट हुई, चीज़ें जली, जब लोगों को इश्तियाल आते हैं वो ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन रियासत अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाती। एक आदमी मरा था, ब्लैक लाइव्स मैटर शुरू हुआ था, उन्होंने हर रोज़ इतना नुकसान किया होगा माली, लेकिन जानी नुकसान वहाँ पे उनकी स्टेट नहीं करती है। यहाँ पे आज बिल्डिंग जलाने पे दहशतगर्द हो गए हैं, दहशतगर्द वो हैं जो लोगों की जानों पे डायरेक्ट बुलेट फायर करें, वो दहशतगर्द हैं। हमने पहले खान साहब का अभी ट्वीट है, हो सकता है कि ये मेरा लास्ट मैसेज हो, तो खान साहब को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ट्वीट किया अभी। जब आप खान साहब को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं, सारियां के 40 दहशतगर्द हैं और यहाँ के गोलियां चलाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप बेखौफ गोलियां चला के या गोलियां चलाएं, कहें जी गोलियां चल गई और खान साहब उसके अंदर क्रॉस फायर के अंदर चले गए, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई बेवकूफ लग रहे हैं सबको? हम अपने हंस वहाँ खड़े हुए हैं, जब गोली चलाएंगे ना इधर आके जमान पाक में, सबसे पहले औरतें मरेंगी और फिर ये बेगैरत मुल्क होगा अपनी औरतों की जाने कुर्बान करता है। मेरी बात सुने, जो चाहता है ना इस वक्त खान साहब को छोड़कर, वो बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी है, लेकिन आपको मैं खवातीन के हवाले से कहना चाहती हूँ, जो इन लोगों ने दहशतगर्दी खवातीन के खिलाफ की है, हम मर्दों को शर्म आनी चाहिए कि ये चुप करके देख रहे, मैट्रिक है, कोई खवातीन की ठीक से बात नहीं कर रहा। अब आप सोचें इंसान के लिए, मुझे अपने मुल्क के सोच हो रहे हैं, यहाँ एक बिल्डिंग आता के बिल्डिंग के लिए रो रहे हैं, जिससे आपका क्या ताल्लुक है? अब मैं हर हूँ कि आप एक बिल्डिंग के लिए रो रहे हैं, खवातीन के साथ बेहरमती हो रही है, जो उन्हें तशद्दुद हुआ है, आपको उनकी और इंसानी जान की ये गोलियां मार के जिनको मार दिया, आपकी कोई वैल्यू नहीं हो गया? ये मैं इस वक्त पॉलिटिक्स की बात अपने माशरे की बात कर रही हूँ कि हम लोगों को शर्म आ गई है। जो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? आप बताएं, पहले आप खवातीन की बात करें, आप लोगों ने कोई बात करनी है, आप खवातीन हैं, हम किस किस्म का माशरा है, खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनको जेल जेल लेके फिर रहे हैं, हम दो दिन से खवातीन ढूंढ, कितनी खवातीन कॉल जाती हैं, कितनी खवातीन उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है जेल के अंदर? आप वज़ीर-ए-आला पंजाब कहते हैं खवातीन में यासमीन राशिद ने लीड की है, सारे घरों से ये खवातीन निकल के सोचें, जिन घरों ये वर्कर्स जिनको ये पाकिस्तानी हैं, हम सारे पाकिस्तान एक टर्म देते हैं वर्कर्स, हम सारे पाकिस्तान के लिए इलेक्शन के लिए अपने वोट के लिए निकलना, ये हमारा हक है प्रोटेस्ट करने का। आप घरों में घुस के आप इन खवातीन के ऊपर तशद्दुद करें, उनके बेडरूम्स के अंदर घुस जाएं बगैर वारंट के, आप ये दहशत करते हैं औरतें, अगर वो सारी दहशत